कास्टिंग के मामले में एक मुश्किल पहलू था अंग्रेजों की कास्टिंग, तो इसके लिए हमें लंदन जाना पड़ा उनकी कास्टिंग के लिए। लंदन में कोई जानता नहीं हमको, ना कोई आशुतोष को जानता है, ना रीना को जानता है, ना मुझे जानता है। हम तीन लोग जा रहे हैं। Why do you think you're here? Play games. तो हम उनसे कहें कि भाई हम हिंदुस्तान से आए हैं और हम एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं जिसमें हमें अंग्रेज आर्टिस्ट चाहिए। एप्सी में क्या बड़ी खुशी हुई। आपकी प्रोडक्शन ने कितनी फिल्में बनाई हैं? तो हम कहते थे कि नहीं भाई, ये तो पहली फिल्म है हमारी। बोला अच्छा पहली फिल्म है, मतलब नए लोग आए हैं इंडिया से, हमारे ब्रिटिश एक्टरों को साइन करना है। लेकिन एक चीज बहुत बड़ी कमाल की होती थी कि जो भी स्क्रिप्ट पढ़ता था वो मतलब फौरन बोलता था कि हाँ मुझे इस फिल्म में काम करना है। स्क्रिप्ट सबको पसंद आती थी। जो रिक्वायरमेंट्स आशुतोष ने दी और मैंने दी रीना को, उस हिसाब से जब रीना ने बजट बनाया तो रीना ने कहा ये फिल्म की कॉस्ट आएगी 12 करोड़। एंड दिस पर्टिकुलर फिल्म, ये एक ऐसी फिल्म थी जो बिल्कुल हाथ से निकल सकती थी। इसका कैनवस बहुत ही विशाल था। रीना कहती है कि भाई इतना पैसा आप लोग खर्चा कर रहे हैं, आप इतनी अलग फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ठीक से बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे, किस प्राइस पे आप बेच पाएंगे, आपको कुछ अंदाज़ा है? मैंने कहा कुछ अंदाज़ा नहीं, अभी सिर्फ फिल्म बनानी है हमें। लाइक आमिर सेड, आमिर का कहना ठीक था, ये फिल्म एक जंगली घोड़े की तरह है, अगर लगाम को ज़्यादा ढील दे दी तो ये घोड़ा बेकाबू हो जाएगा और फिर उसे रोकना मुश्किल होगा। प्रोडक्शन ने कच्छ में बेस बनाया, मैं वहाँ की टीम में शामिल हूँ। पत्नी स्वाति और बच्चों को छोड़कर कच्छ आना आसान नहीं था, लेकिन फिल्म तो वहीं बननी है। कच्छ गर्म है, उजाड़ और सूखा है, लेकिन उस लोकेशन में एक सहज सुंदरता है। आशुतोष और नितिन झगड़ रहे हैं, चंपानेर में कहाँ क्या होगा, गांव में कहाँ किसका घर होगा, गांव की चौपाल कितनी बड़ी होगी। चंपानेर में जीवन फूकने के लिए छोटी छोटी बातों पर भी गौर किया जा रहा है। कच्छ में सभी के रहने का इंतजाम करना है। हमें पता चला कि भुज में सिर्फ 3 ही होटल हैं। कोई भी होटल है ज्यादा से ज्यादा 12 रूम है, 20 रूम है। We wanted accommodation for 300 people. अगर हम जबरदस्ती भी करते तो उन्हें होटल में एक छोटे से रूम को शेयर करना पड़ता और 5 महीने लोगों को ऐसी हालत में रखना तो हो ही नहीं सकता था। हमें पता था कि अगर हम उन्हें इस हालत में रखते तो 2 महीने में ही लोग मुंबई भाग जाते और कहते पैक अप। होटल की समस्या सुलझाई गई, एक साहसी फैसला लिया गया। सहजानन टाज नाम की बिल्डिंग किराए पर ली गई और मुझे 1 महीने का समय दिया गया कि मैं सभी कमरों में एसी, गीजर और फर्नीचर की व्यवस्था कर दूं, यानी सहजानन टाज को होटल में बदल दूं, कच्छ का सबसे बड़ा होटल। मैं पागल हो रहा हूं। फिल्म की शूटिंग कच्छ में है, जरूरी है कि कच्छी उसे अपनी फिल्म समझें। प्रोडक्शन अपने इस उद्देश्य को लगन के साथ पूरा कर रहा है। सेट का निर्माण मुंबई से आए मजदूर नहीं, पड़ोस के गांव से बुलाए लोग कर रहे हैं। और कोटाई गांव के दाना भाई को टीम में शामिल होने के लिए राजी किया गया है। पहले हम कभी ये फिल्मी इंडस्ट्री में जाते भी नहीं थे और कोई हीरो से के कोई ऐसा एक्टरों से मिलते नहीं थे। मैंने उनको खूब समझाया कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हमें किस तरह उनकी मदद चाहिए और किस तरह उनका इन्वॉल्वमेंट हमें बहुत
हेल्प करेगा। देखते देखते गांव बन रहा है, ईंट पत्थरों से नहीं, गोबर और घास से। 100 साल पहले की दुनिया जन्म ले रही है। अंग्रेज क्रिकेट टीम की कास्टिंग बहुत मजेदार थी। मुझे एक्टर्स ऐसे चाहिए थे जो क्रिकेट खेलना जानते हो, ना कि क्रिकेटर्स जो एक्टिंग जानते हो। तो ये रिक्वायरमेंट देते हुए डैनियल रॉफ, जो लंदन की कास्टिंग डायरेक्टर थी ब्रिटिश एक्टर्स की, वो काफ़ी सारे एक्टर्स को ले आई जो क्रिकेट खेलना जानते थे। तो उनमें से अब क्रिकेट टीम को चुनते वक्त मुझे लगा कि एक ही तरीका है जो अपनाया जाए, और वो है उनसे एक मैच खिलवाने का। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को, और वो बड़े सवाल पूछते थे कि अच्छा इंडिया इतनी दूर कंट्री है, वहाँ जो आर्टिस्ट हम चुनेंगे वो कहाँ रहेंगे, और उनको ठीक से खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये होगा नहीं होगा। तो खूब हम लोग समझाते थे उनको कि भाई आप घबराइए मत, सब चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हम भुज में शूटिंग कर रहे हैं, बहुत ही छोटा शहर है, वहाँ कोई बड़ा 5-स्टार होटल नहीं है, और तकलीफ ज़रूर होगी, वहाँ गर्मी बहुत है, मक्खियाँ हैं, ये सब तो चीज़ें हैं भाई। जो आएगा इंडिया वो सब ये सब चीज़ें जहन में रख के आए। शूटिंग में 1 महीना बाकी है, सभी विभागों के प्रमुख ड्राई रन के लिए भुज आए हैं। वे सभी लोकेशन पर जाएंगे और सारी चीजों का जायजा लेंगे। इससे बहुत फायदा होता है। कैमरामैन अनिल मेहता इस बात से परेशान है कि चंपानेर की रेतीली मिट्टी चमकती है। मिट्टी की इस चमक को रोकने के लिए चिकनी मिट्टी और गोबर से पूरे गाँव की लिपाई करनी होगी। आशुतोष परेशान है कि झोंपड़ियों की छतें धूप से काली हो गई है, उन्हें नई घास फूस से बांधना होगा। झोंपड़ियों में टॉयलेट छिपाए गए हैं। भानु अथैया पाती है कि इनके छोटे दरवाजों में से बड़े बड़े ड्रेस वाली ब्रिटिश महिलाओं को आने जाने में दिक्कत होगी, उन्हें चौड़ा करना होगा। इतनी सारी चीजें बदलनी होगी, सोचकर ही डर लगता है। ट्राई रन में हम पहली दफ़ा जो भुज के आर्टिस्ट जो आशुतोष ने सेलेक्ट किए थे, और जो गांव वाले थे जो हमारे लिए काम करने वाले थे, उनको हम पहली दफ़ा मिले और उनके साथ हमने रिहर्सल किया, ये भी देखने के लिए कि वो ठीक से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। Because we don't know, you know, as a shooting with them, you know, we'll suddenly discover that these guys can't act, they can't face a camera. આસતુસ ભાઈ એમ કે છે કે આ જે આપણે ગામનો કામ કર્યો તમે લિપાઈ, પછી આ જે બુંગા બાંધ્યા એ બહુ સારા બાંધ્યા છે ને, બહુ સારો કામ કર્યો છે। જરૂરી યે હે કે હમ એક દૂસરે કો સમજ લે, વી આર નાઉ અ પાર્ટ ઓફ વન ગ્રુપ। યે જોશ अगर हर दिन बना रहे तो मजा आ जाएगा। रहमान और आशुतोष बैठ के बनाते थे, मतलब रहमान ट्यून बनाता था और आशुतोष सेलेक्ट करता था ट्यून। सेलेक्ट करने के बाद वो मुझे फोन पे सुनाता था कि यार ये ट्यून मैंने सेलेक्ट किया है वो, लेकिन गाना बनते बनते फिर भी वक्त लगता है, और अल्टीमेटली होते होते अक्टूबर नवंबर और फिर दिसंबर आ गया और अभी तक हमारे गाने रिकॉर्ड नहीं हुए थे, और काफी टेंशन हो गई हम लोगों के।